और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल के गांव में कैसे जब किसी के घर में फंक्शन होता है तो कैसे क्या क्या डिशेज बनती हैं और किस प्रकार सभी गाँववासी के लिए जो खाना बनता है, कैसे वो सभी गांव के लड़के जो मिलजुल कर काम करते हैं और सभी को खाना खिलाते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में ही मैं आपको आज अपने गांव का टूर भी करवाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, घर से निकलते ही कुछ इस तरह से मेरा गांव जो स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरे गांव के चाचा लोग लगते हैं सभी, ये उनके घर हैं, यहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। और ये रास्ता जा रहा है, यहाँ आज फंक्शन है नीरज भाई के घर पे, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। और ये देखिए, गांव के लोगों ने यहाँ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। और ये हमारे गांव का जो मंदिर है, आपको कभी पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा। और ये दोस्तों, ये रास्ता जाता है जहाँ आज फंक्शन लगा हुआ है। और ये मेरे पुराने घर जो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पुराने घर हैं, यहाँ मैं पहले रहा करता था। और ये देखिए, हमारे चाचा जी ने यहाँ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं नीरज भाई के घर, यहाँ पे आज धाम का प्रबंध है। और ये देखिए दोस्तों, ये आंगन, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो ये हमारे लिए किसी स्टेडियम से कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ हम बहुत सी गेम्स खेलते थे छोटे होते हुए। और ये हमारी चाची जी रेस्ट करते हुए। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे प्रिय विशाल जी जो कि चार चक्कर लगा चुके हैं वहाँ नीनू भाई के घर के, पूछ के आ रहे हैं कि भटूरे तैयार हो चुके हैं कि नहीं। और साथ में रिया भी खाएगी, रिया के हम दोनों, रिया भी भटूरे के पूरी तैयारी में, पूरी फॉर्म में। रिया ने दो दिन से खाना नहीं खाया है। और ये आप मेरे पीछे दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे विशाल जी जो कि विशाल शर्मा सॉरी, जो कि तीन चार बार नीरज भाई के घर में जाके पूछ के आ चुके हैं कि भटूरे तैयार हैं। तो क्या बोला आपको रसोई जी ने? बोले आठ बजे तैयार होंगे। आठ बजे तैयार होंगे, ओके। तो तब तक ये भूखे मरेंगे। और कालू भी आज वेट कर रहा है, इसको भी थोड़ी खुशबू वगैरह आ रही है खाने की। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं ये नीरज भाई का घर जो स्टार्ट हो गया है। ये उनका लड़का है आरव। आरव कैसे हो? हेलो कर दो। हेलो। और चलिए आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, शाम के खाने का प्रबंध हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाम को पूजा हवन करने के लिए जो ये मोलियाँ वगैरह कुछ लगाते हैं लग चुकी है। और हमारे यहाँ मुन्ना भाई,
और चलिए दोस्तों, आपको आज के फंक्शन की जो हमारा किचन तैयार है उसका दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज छोले और भटूरे का जो प्रोग्राम है, चावल दाल नहीं बनाई है। तो देखिए फिलहाल रेडी है सब कुछ। और ये देखिए दोस्तों, हमारे चने जो आलू और हमारे आलू तैयार हैं, ये भी, और ये साथ में चने कर लिया ना, ठीक है, साथ में मीठा। और ये देखिए दोस्तों, भटूरों के लिए जो मैदा तैयार हो चुका है और छोटे छोटे पेड़े बनाए जा रहे हैं और फिर इनको यहाँ तेल लगाया जा रहा है। बस कुछ ही समय बाद यहाँ पे तेल वगैरह डाल के इसकी जो फ्राई करना तैयार कर देंगे, हम शुरू कर देंगे। और अभी दोस्तों ये खाना वगैरह देख के खुद भी भूख लग चुकी है, तो अब बस वेट है कि कब हवन जो समाप्त हो और कब गांव वाले खाना खाने आए, साथ में हम भी खाना खाएंगे। और आप देख सकते हैं और भी हमारे गांव के लड़के जो खाना खाने पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव के लड़के जो काम करवाने और भटूरे और छोले खाने पहुंच चुके हैं, और ये लड़का आप पहचान सकते हो, लुक्का भाई, ये सुबह 9 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है, भटूरे की वेट कर रहा है और इसे अभी खुशबू आ चुकी है। तो क्या कहना चाहते हो आप अनु जी? जीभ लप लप आ रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भटूरे भी तैयार हो चुके हैं और बस अभी वेट है गांव वाले हमारे सभी भाई बहनों का, जो कि कब आए और कब भटूरे और छोले हम भी खिलाएं उनको और फिर खाएं। चलो आपको लेके चलते हैं कहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं। और ये हमारे नीरज भाई, जिनके घर आज ये फंक्शन है। और ये हमारी भाभी जी, ये हमारे राजीव अवस्थी जी, ये उनके घर। और दोस्तों, अब सभी गांव वाले खाना खा चुके हैं और अब बारी है हमारी खाना खाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तब तक बाय बाय।